नमस्कार दर्शक मित्रों, इन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु अर्चना दीदी। नमस्ते अर्चना दीदी, आप आपके बारे में परिचय दीजिए, आपकी संस्था के बारे में और आध्यात्मिक सफर के बारे में कुछ हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। बहुत छोटी आयु से मैंने ध्यान प्रारंभ किया, या यूँ कहिए कि ध्यान स्वयं से घटित हुआ, अवतरित हुआ मेरे भीतर, और इसे मैं ईश्वर और अपने सद्गुरु की कृपा ही मानती हूँ कि मेरे भीतर ध्यान की ये अवस्था घटित हुई। और ध्यान करते करते जब सद्गुरु की आज्ञा हुई, सद्गुरु का आदेश हुआ, तो उनकी आदेश पर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसको नाम मैंने दिया सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन से बड़ा कोई उत्सव हो ही नहीं सकता। हम जीवन में प्रतीक्षा करते हैं उन कुछ पलों की, कुछ क्षणों की, जिसमें कोई उत्सव हो, कोई समारोह हो, जिसमें हम आनंदित हो सके। लेकिन कैसा हो कि अगर हर पल, हर क्षण इस जीवन को हम आनंदमय बना दें, हर पल हर क्षण में हम उत्सव मनाएं, और वो उत्सव बाहरी उत्सव हो ऐसा नहीं, भीतर एक आनंद बरसे, भीतर एक उत्सव हो, हमारा हृदय, हमारा रोम रोम उस उत्सव में डूब जाए। इसीलिए इस संस्था को मैंने नाम दिया सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन, क्योंकि इसके माध्यम से मैं हर किसी को अपने जीवन को आनंदमय और उत्सवमय बनाने के लिए ही सिखाती हूँ ध्यान के माध्यम से। जी अर्चना दीदी, ये बताइए कि योग और ध्यान में क्या अंतर है? योग का अर्थ होता है किसी से जुड़ना, और जुड़ना किससे है, जिससे हमारा वियोग हो चुका हो, अर्थात हम जिससे पृथक हो चुके हों, जिससे दूर हो चुके हों, उससे मिलने का, उससे जुड़ने का जो है नाम होता है योग। हम किससे पृथक हुए हैं? हम पृथक हुए हैं स्वयं से, हम पृथक हुए हैं उस परम आत्मा से। हम सभी जीवात्मा हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, और उससे पृथक हो गए, अपने आप को भूल गए, अपने आप से दूर हो गए, और इस माया नगरी में, इस संसार में ऐसे उलझे कि स्वयं को भूलते चले गए। जितना हम खुद से पृथक हुए, खुद से दूर हुए, उतना ही हमारे जीवन में तनाव आया, अशांति आई। योग का अर्थ होता है जिससे हमारा वियोग हुआ, जिस परम आत्मा से वियोग हुआ, स्वयं से वियोग हुआ, अब उससे जुड़ जाने का नाम है योग। योग अर्थात जुड़ना, किस प्रकार से जुड़ना है, तो इसके लिए अलग अलग मार्ग, अलग अलग उपाय हैं। जैसे हाथों की ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है। आपका जो भी स्वभाव हो, अनुरूप आप मार्ग को चुन सकते हैं और योग तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक मार्ग होता है जिसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान बना है ज्ञे धातु से, अर्थात जो जाना जाए, जानते हुए, अनुभव करते हुए, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान योग, ज्ञान जो आपको योग करा दे, जो आपको जोड़ दे। ऐसे ही है प्रेम योग, प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आप जिससे पृथक हुए हैं उससे जुड़ सकते हैं, उसका नाम है प्रेमा योग। भक्ति योग कहते हैं भक्ति के माध्यम से योग करना, ज्ञान योग कहते हैं ज्ञान के माध्यम से। ऐसे ही एक योग होता है जिसे कहते हैं ध्यान योग, ध्यान के माध्यम से योग करना, ध्यान के माध्यम से उससे जुड़ जाना। तो ध्यान योग योग का ही एक माध्यम है, एक मार्ग है। अर्चना दीदी, ध्यान क्यों करना चाहिए? आज के समय में ध्यान की क्या आवश्यकताएं हैं? देखिए, पहले तो मैंने बता दिया कि योग का अर्थ की है जिससे हमारा वियोग हो चुका है, अब उससे जुड़ने का नाम है ध्यान, उससे जुड़ने का मार्ग है ध्यान। लेकिन हमें उससे जुड़ना क्यों है? हम देखते हैं आज के समय में इतनी अशांति है, हमारे भीतर इतना चिड़चिड़ापन, इतना क्रोध है, और कारण क्या है?
वो क्रोध, वो चिड़चिड़ापन केवल इसलिए है क्योंकि हमें ऐसा लगता है सब कुछ हमारे पास है, फिर भी कहीं कुछ है जो छूट गया। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं, हम आनंदित नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है जो मिला हुआ है शायद वो कम है, थोड़ा और दौड़ेंगे, थोड़ा और भागेंगे, थोड़ा कुछ और पाएंगे, शायद हम आनंदित हो जाएं, खुश हो जाएं, ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये डिप्रेशन खत्म हो जाए। हम और तेजी से दौड़ते हैं और चीजें एकत्रित करते हैं, किंतु परंतु आनंदित फिर भी नहीं हो पाते, शांति फिर भी नहीं मिलती, फिर भी लगता है जीवन में कहीं कुछ कमी रह गई। ये कमी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्वयं से दूर हैं। अपने भीतर की ये अशांति, ये स्ट्रेस दूर करने का अगर कोई माध्यम हो सकता है तो वो है ध्यान। ध्यान इसीलिए किया जाता है ताकि आपका मन पूरी तरह से शांत हो सके। जैसे गहरी नींद में आप जब सुबह उठते हैं तो आप पाते हैं आपको एक नई ऊर्जा मिली, नई शक्ति मिली। ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप कई गुना ऊर्जा को पाते हैं। आपके भीतर वो शांति प्राप्त होती है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आनंदित भी हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। अर्चना दीदी, ध्यान मन का केंद्रित करना है तो क्या वो मुश्किल है? हर कोई व्यक्ति कर सकता है वो? पहली बात, ध्यान का अर्थ मन का केंद्रित होना नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन ध्यान का प्रथम चरण होती है कि आप जब अपने मन को एकाग्र करना सीखते हैं, ये ध्यान का प्रथम चरण होता है। ध्यान का अर्थ होता है जब आपका मन शून्य की अवस्था में हो। लेकिन शून्य की अवस्था तक आप कैसे पहुंचे, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब आपने प्रश्न किया कि मन की एकाग्रता बहुत मुश्किल लगती है, कैसे हम मन को एकाग्र करें? हम प्रयास करते हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता। आपका ये प्रश्न की गलत है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी बच्चे से पूछिए, वो कहेगा पढ़ाई में मेरी एकाग्रता बहुत कम है, मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन उसी बच्चे से अगर आप उसको कोई पिक्चर दिखा दें, कोई मूवी दिखा दें या वीडियो गेम के सामने उसे बिठा दें, आप उसकी एकाग्रता देखेंगे कि अगर उसने अपने मुंह में कुछ खाने के लिए बिस्किट या कोई रोटी रखी हुई है तो वो उसके हाथ में रह जाएगी, मुंह खुला रह जाएगा, वो भूल जाएगा खाना खाना, वो भूल जाएगा कि आप उसे आवाज दे रहे हैं, और वो पिक्चर में या उस वीडियो गेम में ऐसा खो जाएगा कि उसको अपना होश भी नहीं रहेगा। ये क्या है? ये है एकाग्रता। अगर आप बड़े लोगों को भी देखें तो आप ये देखेंगे कितनी महिलाएं हैं जो टीवी देख रही होती हैं, कोई पसंद का सीरियल देख रही होती हैं, या किसी चर्चा में अपनी फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ बात कर रही होती हैं और भोजन तक जल जाता है। अब ये क्या है? बातचीत में एकाग्र हो जाना, सीरियल देखते देखते उसके साथ ऐसे जुड़ जाना कि वही भाव आपके भीतर उतरता जाए। वहां कुछ घटित हो रहा है और यहाँ उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये है एकाग्रता। पुरुषों को देखिए, क्रिकेट का मैच आ रहा हो या फुटबॉल का मैच, उनकी एकाग्रता देखते ही बनती है, वो सब भूल जाते हैं। रात्रि में किसी भी समय जागना पड़े, वो जागकर भी उस मैच को देखना चाहते हैं। और जब वो मैच चलता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहते। आप उनसे कोई बात भी करें, वो आपको रोक देंगे कि अभी मेरा पूरा ध्यान उस मैच में है। वहां पर रन बनते हैं और यहाँ पर ये उछलते हैं। कोई आउट हो जाता है और ऐसा लगता है कि चोट विकेट को नहीं, हमारे हृदय को लगी है। अब ये क्या है? ये है एकाग्रता। एकाग्रता हम सभी के भीतर होती है, लेकिन वो एकाग्रता कहाँ है? जहां आपके मन की रुचि है। ध्यान का अर्थ है कि एकाग्रता तो आप में है, लेकिन जो एकाग्रता बाहर है, उस एकाग्रता को भीतर मोड़ देना बस आपके लिए ध्यान बन जाता है। अभी किसी किसी चीजों में एकाग्रता है, जब हर पल, हर क्षण, हर कर्म आपके लिए एकाग्रता के साथ भर जाता है, तब आप ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाते हैं कि आप कुछ भी करें
एकाग्रता बनी रहे और वो आपके लिए कार्य आपका हस्ताक्षर हो जाए। इतनी एकाग्रता से ये कार्य करें, यही आपको एकाग्रता ध्यान सिखाता है। दीदी, ध्यान और निंद्रा में क्या अंतर है? देखिए, ध्यान के संबंध में कहा जाता है कि ध्यान महानिद्रा है। जैसे नींद में आपको अपना होश नहीं रहता, आप प्रकृति की गोद में होते हैं, आपको अपना भान नहीं रहा, कुछ पता नहीं बाहर क्या है भीतर क्या है, और आप खो जाते हैं। एक मोटे तौर पर अगर हम समझें तो हम खो जाते हैं, उसे निद्रा कहते हैं। ध्यान को कहा गया महानिद्रा। अंतर केवल इतना है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो आप बाहर से सोए होते हैं, भीतर से होश पूर्ण होते हैं। नींद में, निद्रा में आप बाहर से भी खो जाते हैं और भीतर से भी सो जाते हैं, लेकिन ध्यान में बाहर सब कुछ खो जाता है और भीतर आप होश पूर्ण रहते हैं, जागृत रहते हैं। बस इसे ही ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। जी, अक्सर लोगों को लगता है कि हम ध्यान करेंगे तो संसार से दूर हो जाएंगे, तो क्या ये सच है? ध्यान आपको संसार से विरक्त करने का नाम नहीं है। ध्यान आपको संसार से भागना नहीं सिखाता। ध्यान आपको संसार में सही ढंग से जीना सिखाता है। ध्यान आपको सिखाता है कि आप संसार में भी कैसे सफल हो सकते हैं और संसार के पार भी कैसे सफल हो सकते हैं। तो ध्यान आपको कहीं से भागने का नाम नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हमने ध्यान करना सीख लिया तो शायद हम जटाएं बढ़ा लेंगे, हम साधु संन्यासी बन जाएंगे, हम संसार से इतना विरक्त हो जाएंगे कि हमारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। लेकिन ध्यान आपको सिखाता है प्रेम पूर्ण होना। आज रिश्तों में इतनी दूरी है क्योंकि हृदय में स्वार्थ है, हृदय में प्रेम नहीं रहा। ध्यान आपको सिखाता है कि आप इतने प्रेम पूर्ण हो जाएं कि आपके रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएं। ध्यान आपको सिखाता है कि आपके मन में शांति कैसे आए। ध्यान आपको सिखाता है कि आपके अंदर एकाग्रता कैसे आए, और वही एकाग्रता जब आप अपने संसार में, अपने कार्य में प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि आप सफलता की चरम उत्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। ध्यान आपको इस जीवन को भी सार्थक करना सिखाता है और इस संसार के पार भी आप सार्थक हो सकें, ये सिखाता है। जी महाराज, साधना जो है वो आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? महारास का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका, गोपियों के संग जो भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रची उसे कहा जाता है महारास। महारास साधना शिविर व्यक्ति के जीवन में ये परिवर्तन लाता है कि महारास आपको ये सिखाता है कि जीवात्मा का परम आत्मा से मिलन कैसे हो। जी दीदी, अभी आप महारास शिविर कर रहे हैं, वो महारास ध्यान साधना शिविर जो हो रहा है उसका अर्थ क्या है? महारास साधना शिविर, महारास जो कि एक लीला है, एक नर्तन है, एक घटना है, एक अनुभव है, एक अनुभूति है, जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण, माँ राधिका और गोपियों के मध्य में हुई। महारास का अर्थ है जीवात्मा का परम आत्मा से मिलन। परम आत्मा के वियोग में तड़पती हुई व्याकुल जीवात्माएं, जिन्हें अनहद नाद के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वंशी की धुन से पुकारा, और व्याकुल गोपियां दौड़ती चली गईं परम आत्मा के निकट। वो क्षण था जब उन्हें अपनी जन्मों की तपस्या का फल मिला मोक्ष के रूप में। धरती पर से प्रारंभ होकर ये रासलीला, इसका अंत हुआ द्योलोक में, क्योंकि ये एक लीला, एक घटना ही नहीं, ये अवस्था है जब जीवात्मा जुड़ जाती है परम आत्मा से।
महारास का अर्थ इतना ही है कि वो जो आनंद का स्रोत है, जहां से रस बरसता है, उस रस में, उस आनंद में भीग जाने का नाम है महारास। महारास साधना शिविर आपको उसी आनंद, उसी प्रेम, उसी भक्ति, उसी घटना, उसी अनुभूति की एक अंश देने का प्रयासरत है। ये प्रयास है कि किस प्रकार आप सभी अपने परमात्मा से एक हो सकते हैं। वो परमात्मा जिसे हम खुली आंखों से ढूंढते हैं, खोजते हैं, हर प्रतिमा में, हर तीर्थ में, हर मंदिर में, और उसको देख नहीं पाते, उसे एक नहीं हो पाते। प्रार्थना करते हैं परंतु नहीं जानते कि प्रार्थनाएं उस तक पहुंच रही हैं या नहीं। उसका नाम पुकारते हैं और नहीं जानते कि वो हमारी पुकार सुन रहा है या नहीं। महाराज का अर्थ है अपने उसी परम प्रिय परमात्मा से एक हो जाना, उसमें विलीन हो जाना, उसमें डूब जाना, उस परम शक्ति से एक होकर अपनी सोई शक्तियों को जागृत करना, उसी का नाम है महारास ध्यान साधना शिविर। जी दीदी, अब हमें अंत में आप ये बताइए कि ये शिविर कहाँ हो रहा है और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए? महारास साधना शिविर जी हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे अपने परमात्मा से प्रेम है। महारास साधना शिविर हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके जीवन में तनाव है, अशांति है, क्रोध है, और उसे वो अपने जीवन से दूर करना चाहता है। महाराज साधना शिविर हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है। महाराज साधना शिविर हर उस साधक को भी करना चाहिए जो अपने जीवन में रिश्तों में प्रेम चाहता है, और महाराज साधना शिविर हर उस साधक को भी करना चाहिए जो अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना चाहता है, चक्रों को सक्रिय करना चाहता है, कुंडली जागरण करना चाहता है। यदि आपकी इच्छा है इस महाराज साधना शिविर के साक्षी बनने के लिए, तो उसके लिए ये शिविर 21 और 22 दिसंबर को अग्रसेन भवन में हो रहा है, सिटी लाइट में। आपको उसके लिए पंजीकरण करवाना होगा फोन के माध्यम से, जिसका फोन नंबर मैं आपको अभी दूंगी। इस साधना शिविर का समय रहेगा सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 7 बजे तक। इसका समापन रविवार को सफला एकादशी पर होगा, जिसके संबंध में ये कहा जाता है कि कई हजार वर्ष की तपस्या का भी वो फल नहीं मिलता जो एक सफला एकादशी की पूजा में मिल जाता है। इसका समापन सुबह ध्यान के माध्यम से होगा और ध्यान के उपरांत 3 बजे से लेकर हम भगवान श्री कृष्ण की महापूजा में प्रवेश करेंगे। मेरा आप सभी को आमंत्रण है, निमंत्रण है। यदि आप इस शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 8800750750 फोन नंबर दोबारा सुन ली, 8800750750 इन फोन नंबर्स पर संपर्क करके आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और इस साधना शिविर में भाग ले सकते हैं। अर्चना दीदी, हमारे दर्शक मित्रों को आप ध्यान के बारे में कुछ सलाह या कुछ बताना चाहेंगे? मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि अगर जीवन में कोई भी कमी है, कोई दुख है, कोई तनाव है, तो इसका कारण बाहर नहीं, इसका कारण भीतर है। और जो कारण भीतर है उसका उपाय भी भीतर ही करना होगा। मेघ आते हैं, वर्षा करके चले जाते हैं, हम भीगे या ना भीगे ये हमारी इच्छा होती है, हमारा निर्णय होता है। मैं दिल्ली से सूरत की इस धरती पर वही वर्षा करने का प्रयास कर रही हूँ ध्यान के माध्यम से।
अब इस ध्यान में, आध्यात्मिक वर्षा में आप भीगना चाहते हैं या नहीं, ये निर्णय सिर्फ आपका होगा। लेकिन मैं अपनी ओर से आप सभी को आमंत्रण दे रही हूँ कि आइए और भीगिए इस वर्षा में। हम अपने दर्शक मित्रों से निवेदन करते हैं कि आओ हम सभी मिलकर महाराज साधना शिविर में जुड़े और अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता लाए। नमस्कार। नमस्कार।